तो दोस्तों मैं आपको जी रिवार्ड का पे आउट दिखाऊंगा, मतलब जी रिवार्ड में जितने कॉइन हैं उनको रिडीम करके दिखाऊंगा। मेरे पास अभी मैं आपको जी रिवार्ड को ओपन किया, वो देखिए ऊपर दिखा रहा है 2,11,000 कॉइन है। मैंने ओके करके इसको ओपन कर लिया, रिडीम वाले ऑप्शन में गया, ये नीचे आ रहा है 1,93,000 रुपये मुझे $20 मिलेंगे। तो मेरे पास 2,11,000 है और 50, ये मैंने इसको कन्फर्म किया, ये एग्री लिखा हुआ गया, एग्री इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने पहले मेल वगैरह सब डाल रखी थी, मैंने पहले पे आउट कर चुका हूँ, मतलब रिडीम कर चुका हूँ। अभी मैंने इसको ऑप्शन को दोबारा क्लिक किया था ऊपर, क्योंकि 2,11,000 अभी भी दिखा रहा है, तो दोबारा इसके ऑप्शन में क्लिक करके दिखा रहा है कि इनसफिशेंट बैलेंस, मतलब मेरे पास बैलेंस नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने बैक करके दोबारा ओपन किया तो अभी सही दिखा रहा है कि 18,000 मेरे पास बचे हैं कॉइन। तो ये अभी मैंने 2 तारीख में इसको रिडीम किया था, अब मैं आपको दिखा देता हूँ पेपाल में जाके कि मैंने 2 तारीख में रिडीम किया था। ये देखिए मेरे पास आ चुका है, ईमेल का नोटिफिकेशन आया, मैंने खोला है 2 तारीख, ये लिखा 27.13 मेरे पास कैनेडियन डॉलर आए हैं, USD वहाँ पर लिखा हुआ था $20 USD है। तो ये 27.2 मई 2023, देखिए नीचे ट्रांजेक्शन डेट लिखी आ रही 2 मई 2023, तो 27.13 डॉलर मेरे पास कैनेडियन डॉलर आए हैं, CAD मतलब कैनेडियन डॉलर। और ये पेपाल, मैंने इसको खोला, पेपाल खोला है मैंने, तभी इसमें एक बार फिर 27.13 देखिए दिखा रहा है अभी पेपाल बैलेंस। तो 2 तारीख में मेरे पास ये देखिए, इसको मैंने पहले भी देखिए, पहले भी मैं रिडीम कर चुका हूँ पेटीएम पेमेंट बैंक में। तो आप पेपाल का भी, अगर आप नहीं जानते हो पेपाल पे कैसे ऐड करना है, क्या करना है, मैं वो भी बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए 3 मई को मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है, ये 1567 का, मतलब 1568 रुपये का मेरे पास ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है। अभी मैं मार्क करके देखिए, ये रिसीव जो अमाउंट है मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे, 6:03 को मैंने रिसीव किया था 3 मई 2023 में। तो ये मेरे पास मिल चुका है पेपाल से पेमेंट प्रूफ के साथ, ये रियल ऐप है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।